सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल नमस्कार जी, आपका भी स्वागत। और सर सबसे पहले अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओमवीर राघव है और मैं मेवात जिले संगेल गांव में ये एक छोटा सा इंटीग्रेटेड फार्म मैंने किया हुआ है। वैसे मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और शौक में मैंने ये काम शुरू किया था और धीरे धीरे ये शौक मेरा बिजनेस की तरफ बढ़ता गया, एनिमल्स ऐड होते गए और ये एक प्रोफेशन बन गया जी। मैं इसे एज ए प्रोफेशन मैं इसे काम कर रहा हूँ। सर फार्म एक बार विजिट कराइए अपना। हाँ बिल्कुल, आ जाइए जी। मैं तो दोस्तों अभी हम हैं फार्म के अंदर और ये इस तरह से इसे ओपन होता है। ये सर मैं देख रहा हूँ सर, ये क्या आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये डॉग्स के लिए शेड है। अच्छा, तो कुछ इसमें कुछ फ़ायदा है सर डॉग्स को रखने से? हाँ, इसके अंदर ये उनका नेचुरल हमने बनाया हुआ है, हैबिटेट है, नेचुरल नेचुरल बनाया हुआ है घास फूस का। और ये एक यूनिट हमने बायोफ्लॉक की लगाई हुई है यहाँ पे। एक बायोफ्लॉक की हमने स्टार्टिंग में एक यूनिट लगाई हुई है। 10,000 लीटर के ये टैंक हैं, 6 टैंक से हमने एक यूनिट बनाई है। हाँ नहीं, इसके अंदर हम 2 प्रोडक्शन ले चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं कि भाई कौन सी फिश ज़्यादा सक्सेस रहती है, कौन सी ज़्यादा सक्सेस नहीं रहती है। एक आउटपुट एक डिसीजन पे हम पहुँच जाएँ, उसके बाद फिर उसी हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है, हमारे यहाँ पानी जो है वो खारा पानी है, तो खारे पानी में क्या बेहतर हो सकता है और क्या बायोफ्लॉक में हम लग कर सकते हैं खारे पानी के साथ, तो वो हम इसके अंदर अभी रिसर्च कर रहे हैं। सवाल जवाब बाद में करेंगे सर, पहले एक बार फार्म एक बार देख लेते हैं क्या क्या और है आपके यहाँ पर जी। तो ये सर का रैबिट कह सकते हैं, रैबिट हाउस कह सकते हैं इसको। हाँ सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हुई है। यहाँ पे ऊपर जो है वो रैबिट्स हैं और नीचे हमने यहाँ पे मुर्गों के लिए बनाए हुए हैं। ये ब्रीडिंग फार्म का सेटअप है। ये ब्रीडिंग फार्म का सेटअप ऐसे है कि 1 केजी के अंदर एक मुर्गे के साथ 3 से 4 मुर्गियाँ हम यहाँ पे छोड़ते हैं और प्योर ब्रीड के लिए हम देसी के साथ देसी, असील के साथ असील, ऐसा हम छोड़ते हैं। और ऊपर इसके अंदर ये रैबिट के लिए रैबिट के केजेस लगाए हुए हैं। तो एक शेड के अंदर ये 2 फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है जी, जो हमने अभी। और यहाँ पे सर आपने ये कुछ बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं यहाँ पर, कबूतर भी आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे कबूतर भी रखे हुए हैं सर आपने? हाँ, कुछ बर्ड्स भी हैं इसके अंदर जी, ये शौक के लिए पाले हुए हैं इनके अंदर जी जी। तो सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग आजकल एक ही फार्मिंग कर पाते हैं, वो भी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, सेलिंग की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन आप तो मल्टीग्रेडेड फार्मिंग कर रहे हैं, 10 चीज़ें आपने पाली हुई, सर कैसे आप मैनेज करते हो? इसमें यह है कि देखो, ये भी हमने भी शौक से शुरू किया था, 1-2 एनिमल्स हम लेके आए थे। धीरे धीरे ये हमारा शौक भी बढ़ता गया और डिमांड भी बढ़ती गई। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई हमने एनिमल्स इंक्रीज़ कर दिए। अभी हमारे सारे एनिमल्स जो हैं वो फार्म से ही सेल हो जाते हैं, हमें अभी फ़िलहाल तो कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा मार्केटिंग के लिए। तो जो भी एनिमल्स हैं हमारे फार्म से ही पिक हो जाते हैं, हमारे चाहे रैबिट्स भी हों, रैबिट भी फार्म से ही पिक हो जाते हैं। और जो हमारा कड़कनाथ है, कड़कनाथ तो अभी हम कहीं बाहर सेल करने गए नहीं, हमारे फार्म से ही सारा सेल हो रहा है। तो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे, ये ब्रीडिंग सेटअप था, यहाँ से हम अंडे लेते हैं। एक हैचर भी हमारा लगा हुआ है जी, खुद ही हैचिंग करके और खुद ही हम यहाँ पे ये हमारा पालने के लिए है। तो सर आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो रही है मार्केटिंग के लिए। हमारे जो काफ़ी बेरोजगार हैं, जो युवा है इसको करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है कि माल कहाँ सेल करेंगे, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाएंगे। देखो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। और जो किसान की ये जो मेन समस्या है मार्केटिंग की, मोस्टली हम यही सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसानों को फिर भी किसी फार्मर को भी ये दिक्कत होती है भाई वो माल कहाँ सेल करे, तो मेरा नंबर ले सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। लगभग सभी तरह का लाइफ स्टॉक हम सेल आउट करते हैं, तो उनका माल हम खरीद सकते हैं और आगे फिर हम उसको सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप ये कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है इस तरह के फार्मिंग मॉडल में, या कोई एक ही तरह का कोई काम करे उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है? नहीं, इंटीग्रेटेड में डेफिनेटली फ़ायदा होगा आपका। एक का फीड दूसरे के काम आ जाता है। जैसे फिश फार्मिंग है हमारी, वो डक फार्मिंग है, जो मुर्गों का जो वेस्ट होता है, डक्स का जो वेस्ट होता है वो मुर्गियों के लिए काम आ जाता है। तो उनके लिए हमारा फीड का जो बेनिफिट होता है वो बच जाता है, फीड बच जाता है। तो अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है ज़मीन जो है एक ही शेड के अंदर हम 2 फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो एक शेड हमारे 2 जगह काम आ रहा है। सर ये देखना चाहेंगे, ये क्या है यहाँ पर? जी
ये मॉडल क्या है इसके बारे में बताइए। ये हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ये एक्चुअली बेसिकली गोट फार्म के लिए हम तैयार कर रहे हैं। ये हमने बेड बनाए हैं, ये वर्मी कंपोस्ट के बेड हैं। इसके ऊपर जो है वो गोट्स रहेंगी, गोट का हम वो दिखा दीजिए एक मिनट जी। हाँ, ये जो तखत है, ये जो तखत बकरियों का है, ये इसके ऊपर सेट हो जाएगा और बकरियां ऊपर रहेंगी। नीचे वर्मी कंपोस्ट का सेटअप हमने बनाया। अभी तक का मेरे ख्याल से किसी ने भी ये कॉन्सेप्ट सोचा नहीं होगा कि बकरियों की जो नीचे की जगह होती है, जो कि वेस्ट होती है, उसका हमने बेस्ट यूज़ किया है। इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा दिए, जो उनकी मैंगन है, पेशाब है, वो डायरेक्टली जो है वर्मी कंपोस्ट में चला जाएगा और उसका वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने इसका यूज़ किया, ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर बकरियों के लिए किया, ये बकरियों का सेटअप है। और इस तरह वेस्टेज के लिए आपने पीछे तालाब बनाया हुआ है, ये क्या, थोड़ा इसको भी समझाइए। ये जो पॉन्ड है, ये बेसिकली हमारे जो बायोफ्लॉक के टैंक्स हैं उनका आउटपुट निकलने के लिए, उनका जो पानी है, जब भी हमें वहाँ से हार्वेस्टिंग करनी होती है तो उसका पानी हम इसमें निकाल देते हैं। एक तो हमारा ये यूज़ है, दूसरा ये यूज़ है कि हम हमेशा इसके अंदर मछलियाँ छोड़ के रखते हैं तो मछलियाँ हमारी इसके अंदर तैयार हो जाती हैं। और तीसरा ये है कि इसके अंदर हम डक फार्मिंग भी करते हैं साथ में, तो ये पानी के अंदर हम डक फार्मिंग करते हैं। और जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट है जो इधर से निकलता है, वो भी एज ए फीड यूज़ हो जाता है इसके अंदर मछलियों के लिए। तो ये सर विचार आपको कैसा है, प्लानिंग आपने कैसे करी इसकी? बस शौक़ था, शौक जैसे जैसे शौक बढ़ता गया, समझ आती गई, एक दो जगह ट्रेनिंग लेने गए, क्योंकि मैं कोई भी एनिमल जब मैं अपने उसमें ऐड करता हूँ फार्म में, तो पहले मैं उसकी ट्रेनिंग लेने जाता हूँ। जैसे मैंने गोट फार्मिंग शुरू की तो मखदूम से मैं पहले ट्रेनिंग लेके आया गोट फार्मिंग के लिए, उसके बाद मैंने शुरू किया। फिश फार्मिंग के लिए भी मैं पहले लाहली से इंस्टीट्यूट से वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया था, फिर मैंने फिश फार्मिंग शुरू की। तो ऐसे ही जो भी एनिमल मैं ऐड करता हूँ उससे पहले मैं उसकी एक ट्रेनिंग लेके आता हूँ, उसको समझता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर मैं उस एनिमल को अपने फार्म में ऐड करता हूँ। तो सर किस तरह से कोई शुरुआत कर सकता है, मतलब पहले क्या करें फिर क्या करें, थोड़ा प्रोसेस है वो समझाइए। इसमें यह है कि हमने जो यूनिट बनाई है ना, वो एक छोटे फार्मर को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। हर एक यूनिट अपने आप में कंप्लीट है। अगर किसी को सिर्फ गोट फार्मिंग से शुरू करना है तो वो गोट फार्म से शुरू कर सकता है, कि जैसा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके अंदर प्रॉपर जगह है, इसके अंदर ही फीड रखने की जगह है, फीड प्रोसेसिंग की जगह है, यहीं पे वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है, यहीं पे बकरियों के खुले घूमने की जगह भी है। एक छोटे से एरिया के अंदर सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। अगर वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल सकते हैं शुरुआत में तो एक कॉन्सेप्ट के साथ चलें, धीरे धीरे वो एक के बाद एक एनिमल्स ऐड कर सकते हैं अगर उनके पास जगह है, उस जगह के हिसाब से वो। तो स्टार्टिंग में सर आपको चुनौती इसमें क्या क्या है, समस्या आपको क्या क्या आई थी इसमें? समस्या यहाँ पे आती है जी, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर बारिश होती है तो बारिश ही होती है, बहुत दिनों तक गीला रहता है, तो एनिमल्स की लाइफ स्टॉक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा है कि टेम्परेचर की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर टेम्परेचर भी 48 डिग्री तक चला जाता है, और सर्दियाँ भी यहाँ पर 10 डिग्री माइनस में भी चला जाता है, 10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये सारी समस्याएं, अगर हवा भी चल रही है तो हवा इतनी तेज़ चलती है कि छोटा मोटा अगर शेड आप बनाओगे नॉर्मली तो आपकी वो झोपड़ी वगैरह वो उड़ जाएगी। नहीं तो मेरी जो मतलब ये है कि आपको चारे की या मार्केटिंग की कुछ तरह की समस्या आई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास डिफरेंट तरह का, आपको उनको खाना आपको देखना लेना पड़ेगा, उनके लिए आपको सप्लायर चाहिए होंगे, आपको जो बेचने वाले हैं जिनको देना है बाहर, वो डिफरेंट तरह के आपको चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो स्टार्टिंग में तो मार्केटिंग की रहती है समस्या, मार्केटिंग की तो है ही है, मैंने बताया था मार्केटिंग के पे तो हम काम कर रहे हैं, और अभी तक हमें ऐसी कोई समस्या आई नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारा यहीं से हो रहा है, सारा सेल यहीं से जा रहा है। और बात रही फीड की, तो फीड बहुत हद तक हम 80% अपने फार्म पर ही तैयार कर रहे हैं, तो सारा फीड हम यहीं पे तैयार कर लेते हैं, ग्रीन फीड भी यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, और जो ड्राई फीड है वो भी हम लगभग यहाँ से तैयार करते हैं, कुछ फीड है जो हम बाहर से मार्केट से भी हम यूज़ कर रहे हैं। जी जी, और आगे का प्लान कैसा है, अभी आपका फ्यूचर प्लान अभी आगे का इसमें? आगे का जी मेरा ये है कि धीरे धीरे हम इसको एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, और उसको बस थोड़ा सा मैनेजमेंट सही करके साफ़ सफाई रख के तो हम इसको एज ए टूरिज़म भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर से लोग आएँ, वो टूरिस्ट भी आ सकते हैं, देखने के लिए भी आ सकते हैं, ख़रीदने के लिए भी आ सकते हैं, और इसके अंदर हमने लाइफ स्टॉक के साथ साथ ग्रीनरी का भी जोड़ा है, ऑर्गेनिक का भी हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑर्गेनिक लगाई हुई है, जैसे हमारे पास सब्जियां हैं वो ऑर्गेनिक हैं, और ठीक है, मतलब पूरा आप एक इसको टूरिज्म कह सकते हैं, टूरिज्म में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट को भी करके और प्लस टूरिज्म को भी करके, इससे हाँ, दोनों चीज़ें चलती रहेंगी इसके अंदर भाई। हमारा एग्रीकल्चर तो चल ही रहा है, एग्रीकल्चर के साथ टूरिज्म भी चल जाएगा, और ये हमने सिर्फ एक एकड़ में ही बनाया है, ये सारा कॉन्सेप्ट एक एकड़ में है। तो क्योंकि टूरिज़्म का जब नाम आता है तो किसान सोचता है कि टूरिज़्म के लिए उसको बहुत सारी ज़मीन होनी चाहिए, 10-15 एकड़ में बनेगा, तो हमने एक छोटा मॉडल तैयार किया है कि एक छोटा किसान भी ये चीज़ सोच सकता है और वो छोटे से एरिया के अंदर भी ये सारी चीज़ कर सकता है।
होता है और हर एनिमल्स के लिए बराबर जगह है, सांस लेने की पूरी जगह है, घूमने की पूरी जगह है, इस तरह की व्यवस्था हम बना करके इस काम को कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, साथ में हमारा टूरिज्म भी हो जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू।